भवन अनुज्ञा के काम के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी बरघाट द्वारा रिश्वत मांगे जाने पर लोकायुक्त जबलपुर ने शुक्रवार को कार्यवाही करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आवेदक जय टेमरे पिता रामेश्वर प्रसाद उम्र 38 वर्ष निवासी बरघाट ने लोकायुक्त को शिकायत करते हुए इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियां सुश्री कामिनी लिल्हारे मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद बरघाट जिला शिवनी द्वारा कार्य प्रार्थी की भवन अनुज्ञा की कुल 11 फाइलें पेंडिंग थी, जिसमें से 5 फाइलों में भवन अनुज्ञा प्रदान किए जाने के एवज में प्रति फाइल 2000 के हिसाब से कुल 10,000 रिश्वत मांगी गई थी, जिससे आज दिनांक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। शिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। पापा का यहाँ पे कंसल्टेंसी का काम है, प्राइवेट इंजीनियर रजिस्टर्ड है। हम लोग यहाँ भवन अनुज्ञा का काम पिछले 5 सालों से कर रहे हैं, लेकिन जब से मैडम आई हैं उस समय से इन्हें हम लोगों को इतना ज़्यादा लिंगर ऑन किया है हर एक केस में, और हर एक फाइल के बिहाफ में इनके द्वारा शुरू से पैसा मांगा गया है। 2000 रुपये पर फाइल का भी इन्होंने मुझसे मांगा था, तो 5 फाइल का मैं भी इनको आज पेमेंट दिया हूँ 10,000 रुपये। तो लोकायुक्त के में मैंने शिकायत किया था, और उसी बिहाफ में अभी लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा है। अब देखते हैं। बात सर, आज नगरपालिका में क्या हुआ, आपकी टीम आई लोकायुक्त की? तो हमारे फरियादी हैं जय टेमरे, ये वार्ड नंबर 9 बरघाट के निवासी हैं। इनके पिताजी का श्री रामेश्वर प्रसाद टेमरे, ये नगरपालिका में प्राइवेट कंसल्टेंट है, इनका यहाँ काम चलता है। यहाँ पदस्थ हैं CMO श्री कामिनी लिल्हारे। इनके द्वारा पांच भवन अनुज्ञा पेंडिंग थी। इस प्रत्येक अनुज्ञा के लिए NOC देने के लिए 2000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। इस तरीके से आज हमने पांच अनुज्ञा के 10,000 रुपये रिश्वत लेते कुमारी कामिनी लिल्हारे को पकड़ा है, कार्रवाई चल रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।